सोहल बिच कैसे हो आपसे भाई हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आईफोन के कैमरे के फीचर्स को एंड्रॉयड फोन में यूज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, बोला था कि हम अपने फोन के कैमरे से अच्छा फोटो नहीं खींच पाते हैं, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको आप यूज करके आप बिल्कुल DSLR की तरह अपने फोन के कैमरे से फोटो खींच सकते हो, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और दोस्तों आईफोन के कैमरे के फीचर्स को यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आईफोन का 14 सीरीज लॉन्च हो चुका है जिसमें हमें काफी लेटेस्ट कैमरे के फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। सेम वही फीचर्स आप अपने एंड्रॉयड फोन में यूज कर पाओगे और बिल्कुल आईफोन की तरह अपने फोन के कैमरे से फोटो को क्लिक कर सकते हो, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन के कैमरे के फीचर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। जब आप अपने फ़ोन के कैमरे को ओपन करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है iOS कैमरा, ठीक है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। 2023 कैमरा आईफोन 14, ओके। आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 4.5 की काफ़ी अच्छी रेटिंग है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा बार ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया जा चुका है। आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज करना है, ओके। आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, सिर्फ थोड़ा सा। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एडवांस फीचर मिलेंगे। अगर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हो, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाते हो या इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हो, तो दोस्तों आप यहाँ से शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो मोड मिलेगा, कैमरा स्क्वायर प्रो, ठीक है। जब आप प्रो पर टैप करोगे, ओके, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, जो हमें नॉर्मल कैमरा में नहीं मिलता है। आप इस तरह ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर जितना लाइट हो उस हिसाब से, अगर लाइट कम है, अंधेरा है, तो दोस्तों आप इस तरह ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो, ओके, और अच्छा फोटो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। आप यहाँ पर लाइट मोड को यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये क्लाउडी का ऑप्शन मिलता है, आपको नेचर लाइट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फिल्टर्स मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे फिल्टर्स मिलेंगे जिनको आप यूज करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्टर्स हैं ये काफ़ी गजब के फिल्टर्स हैं, जब आप इनको अपने फ़ोटो पर यूज करोगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से फिल्टर्स को यूज कर सकते हो। इसके बाद भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, आपको फूडी पर टैप करना है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर एक नया फीचर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको कलर पर टैप करना है, ठीक है। आप यहाँ से अपने पसंद के कलर को यूज कर सकते हो, देखो, ठीक है। इस तरह गाइज आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली फिल्टर पर टैप करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फिल्टर्स मिलेंगे। अगर आप फिल्टर यूज करना चाहते हो तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यूज करो, आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे। आप देखो, देखो काफ़ी कमाल के फिल्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह फिल्टर्स को सेलेक्ट करके अपने फ़ोटो को खींच सकते हो,
अगर आप इसको हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो आपको रिमूव इफेक्ट पर टैप करना है, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप फिल्टर्स को यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ पर सेटिंग पर टैप करना है। ठीक है, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जूम लेंस का। ठीक है, आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है। ओके, इसके बाद आपको फेस डिटेक्शन को ऑन कर देना है, फोकस एंड शूट को ऑन करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम की कंट्रोल। ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे, टेक पिक्चर्स, रिकॉर्ड वीडियो, जूम, सिस्टम वॉल्यूम। ठीक है, आप वॉल्यूम बटन से क्या करना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप टेक पिक्चर पर टैप कर दोगे, इसको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो आप वॉल्यूम बटन से फोटो खींच सकते हो। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप वीडियो रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो आप इसको थर्ड वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अगर आप वॉल्यूम अप डाउन करना चाहते हो तो आप फोर्थ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेक पिक्चर्स सेलेक्ट कर रखा है। ओके, अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद जैसे ही हम वॉल्यूम बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, हमारा जो फोटो है वो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। देखो, पिक्चर जो है वो कैप्चर हो चुका है। ठीक है, इस तरह गाइस आप बहुत ही आसानी से प्रो लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, इसके साथ में आपको यहाँ पर जो भी फीचर्स मिलेंगे, अगर आप इनको यूज करोगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल HD क्वालिटी का फ़ोटो खींच सकते हो, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर HD का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको इस पर टैप करना है, आपको यहाँ पर साइज रेशियो सेलेक्ट करना है, और दोस्तों आप HD क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटो को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे जब आप प्रॉपर टैप करोगे। ठीक है, आपको इस पर इस तरह क्लिक कर रहे हैं, आपको यहाँ पर निगेटिव वगैरह का ऑप्शन मिलेगा जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो दोस्तों आप इस तरह इस एप्लीकेशन से बिल्कुल DSLR की तरह फोटो खींच सकते हो, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।